टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अपने टियागो ईवी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस शुरू होती है 8.5 लाख रुपए एक शोरूम से। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं टियागो ईवी और टिगोर ईवी को। और इस वीडियो के एंड में मैं टियागो ईवी के बारे में 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो कि आपको टिगोर ईवी छोड़ के टियागो ईवी लेने पे मजबूर कर देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप भी एक अफोर्डेबल ईवी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस से। टिगोर ईवी का व्हील बेस और लेंथ थोड़ा ज्यादा बड़ा है टियागो ईवी से, वहीं पे इन दोनों कार्स की विड्थ एकदम सेम है, पर टिगोर ईवी में 50 mm का थोड़ा ज्यादा व्हील बेस देखने को मिलता है कंपेयर टू टियागो ईवी। टिगोर ईवी सेडान होने के कारण इसकी हाइट 4 mm कम है टियागो ईवी से। बात करेंगे बूट स्पेस की, तो टियागो ईवी में 240 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, वहीं पे टिगोर ईवी में 316 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। तो डायमेंशंस वाइज टिगोर ईवी थोड़ी ज्यादा बड़ी है टियागो ईवी से, पर ये डिफरेंस रियल लाइफ में इतना ज्यादा नोटिस नहीं होता। अब बात करते हैं भाई कि इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में हमें कौन से फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, फॉग लैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर, 14 इंचेस के व्हील्स, दोनों ही गाड़ियों में सेम साइज व्हील्स मिलते हैं, ऑटो फोल्डेबल और इंटरनली एडजस्टेबल ORBMs, क्रोम डोर हैंडल्स, रियर डिफॉगर, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, ग्लॉसी ब्लैक रूफ, ये सब कुछ चीजें इन दोनों गाड़ियों में हमें कॉमन मिल जाती है। पर टिगोर ईवी में शार्पफिन एंटीना आता है, वहीं पे टियागो ईवी में नॉर्मल वाला एंटीना आता है। अब बात कर लेते हैं कि इंटीरियर में कौन से कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7-inch इंफोटेनमेंट स्क्रीन विद एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, मैनुअल IRVM, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव और स्पोर्ट ऐसे 2 ड्राइविंग मोड्स, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, हार्मन साउंड सिस्टम विद 8 स्पीकर्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ये सब कुछ फीचर्स इन दोनों ही गाड़ियों में हमें सेम मिल जाते हैं। पर टियागो ईवी में व्हाइट कलर की लेदर सीट्स, क्रूज कंट्रोल, 45 कार कनेक्टेड फीचर्स तो टिगोर ईवी में भी मिल जाते हैं, पर टिगोर ईवी में हमें सिर्फ 30 कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, वहीं पे टियागो ईवी में 45 कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। और खास बात तो ये है कि टियागो ईवी के बेस मॉडल से ही हमें ये कार कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि टिगोर ईवी के बेस मॉडल में नहीं मिलते। ये सारे फीचर्स हमें टियागो ईवी में ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू टिगोर ईवी। अब बात करते हैं भाई इन दोनों गाड़ियों के बैटरी पैक्स के बारे में। तो टिगोर ईवी में 26 kWh की बैटरी मिलती है, वहीं पे टियागो ईवी में हमें 2 बैटरी पैक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। एक है 19.2 kWh की बैटरी और दूसरी है 24 kWh की बैटरी। दोनों ही गाड़ियों के बैटरी और मोटर पे हमें 8 साल या फिर 160,000 km की वारंटी देखने को मिल जाती है। बात करेंगे रेंज की, तो टिगोर ईवी में कंपनी क्लेम करती है 306 km की रेंज, वहीं पे टियागो ईवी के 24 kWh वाली बैटरी से कंपनी रेंज क्लेम करती है 315 km। छोटी वाली बैटरी 19.2 किलोवाट वाली बैटरी से 250 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। तो अगर हम टियागो ईवी के बड़ी वाली बैटरी को टिगोर ईवी के बैटरी के साथ कंपेयर करते हैं, तो टियागो ईवी में हमें थोड़ी ज्यादा अच्छी रेंज देखने को मिलती है कंपेयर टू टिगोर ईवी। टिगोर ईवी की मोटर प्रोड्यूस करती है 74 BHP की पावर और 170 Nm का टॉर्क। वहीं पे टियागो ईवी की एक बड़ी वाली बैटरी के साथ जो मोटर मिलती है वो प्रोड्यूस करती है 74 BHP की पावर और 114 Nm का टॉर्क, और छोटी वाली बैटरी के साथ जो मोटर मिलती है वो प्रोड्यूस करती है 61 BHP की पावर और 110 Nm का टॉर्क। तो पावर वाइज अगर हम कंपेयर करेंगे टियागो का टॉप मॉडल और टिगोर का टॉप मॉडल, तो ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है इन दोनों ही कार्स के पावर और टॉर्क में। टिगोर ईवी में थोड़ा ज्यादा टॉर्क देखने को मिलता है कंपेयर टू टियागो ईवी। दोनों ही गाड़ियों से आप 0-60 की स्पीड सिर्फ 5.7 सेकंड्स में अचीव कर सकते हो। टियागो ईवी में 4 डिफरेंट टाइप्स के चार्जिंग ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, वहीं पे टिगोर ईवी में 3 डिफरेंट टाइप्स के चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी मदद से आप इन दोनों गाड़ियों को 10% से 80% तक सिर्फ 1 घंटे में चार्ज कर सकते हो। और बात करेंगे सेफ्टी की, तो दोनों ही गाड़ियों में हमें डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD इन सेफ्टी फीचर्स जैसे और बहुत सारे फीचर्स इन दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। बात करेंगे टियागो ईवी की प्राइसिंग की, तो टियागो ईवी की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 8.5 लाख रुपए से और टॉप मॉडल की कीमत है 11.79 लाख। टिगोर ईवी की प्राइस शुरू होती है 12.5 लाख रुपए एक शोरूम से और टॉप मॉडल की कीमत है 13.64 लाख एक शोरूम। तो अब बात करते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो कि आपको टिगोर ईवी छोड़ के टियागो ईवी लेने पे मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहला है क्रूज
कंट्रोल। दूसरा है लेदर सीट्स, क्योंकि टिगुआर ईवी में सिंपल सीट्स मिलती है, लेदर सीट्स का ऑप्शन नहीं है। तीसरा है कार कनेक्टेड के 45 कनेक्टेड फीचर्स, जो कि टिगुआर ईवी में हमें सिर्फ 30 कनेक्टेड फीचर्स ही मिलते हैं। चौथा है रेंज, टियागो ईवी की रेंज टिगुआर ईवी से थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और लास्ट पांचवा पॉइंट, जो कि सबसे मेन पॉइंट है, जो है इसकी प्राइसिंग। टियागो ईवी के टॉप मॉडल की प्राइस है 11.79 लाख, वहीं पे टिगुआर ईवी की टॉप मॉडल की प्राइस है 13.64 लाख। तो इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस होने के बावजूद भी टियागो ईवी में हमें ज्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलती है, ज्यादा बढ़िया रेंज देखने को मिलती है, ज्यादा अच्छा इंटीरियर देखने को मिलता है, और इन सबसे भी ज्यादा मेन पॉइंट, ये सब कुछ हमें टिगुआर ईवी से कम प्राइस में देखने को मिलता है टियागो ईवी में। यानी कि टियागो ईवी की प्राइस कम होने के बावजूद भी इसमें हमें ज्यादा अच्छे फीचर्स, ज्यादा बढ़िया रेंज, अच्छा इंटीरियर देखने को मिल जाता है कम्पेयर टू टिगुआर ईवी, और टिगुआर ईवी से भी कम प्राइस में। तो यही कुछ था आज की इस कंपैरिजन वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।